समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आने की सूचना पर गुरुवार को औरैया जाने वाले चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई थी। अखिलेश का काफिला जैसे ही उन्नाव पहुंचा, यहां धोरा हसनगंज थाना इलाके के टोल टैक्स बैरियर पर उन्हें रोक लिया गया। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान उनके साथ मौजूद समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन फोर्स ने फौरन अखिलेश को भीड़ से अलग कर लिया। देश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसके बाद पुलिस ने उन्हें नवाबगंज गेस्ट हाउस ले जाने के लिए रवाना हो गई। तब तक सुरक्षा के लिहाज से गेस्ट हाउस को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन बाद में खबर मिली कि उन्हें जिले के ही किसी स्कूल में ले जाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश को हसनगंज के कृषि विज्ञान केंद्र में ले जाया गया है। साथ ही ये भी खबर मिली है कि पुलिस लगातार अखिलेश की लोकेशन बदलते रहने वाली है, ताकि सपा कार्यकर्ता कोई जमावड़ा न लगा पाए। आपको बता दें कि अखिलेश की गिरफ्तारी से पहले औरैया जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया था। साथ ही औरैया जाने वाले रास्तों पर लखनऊ उन्नाव के कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि अखिलेश पहले लखनऊ कानपुर हाईवे से औरैया जाने वाले थे। इसके चलते प्रशासन ने नवाबगंज में ही उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बना ली थी, लेकिन इसकी जैसे ही सूचना अखिलेश को लगी, उन्होंने अपना रूट बदल लिया। इसके बाद उन्हें उन्नाव जिले के हसनगंज में हिरासत में लिया गया। इधर अखिलेश की गिरफ्तारी के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आ गए हैं और जगह जगह वे जाम और प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि औरैया में पंचायत चुनाव नामांकन के दौरान बुधवार को बवाल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने पूर्व सांसद और दिबियापुर के पूर्व विधायक प्रदीप यादव को हिरासत में ले लिया था। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में ही गुरुवार को अखिलेश औरैया जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वायरल कीड़ा न्यूज़।